नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। जगह जगह पर युवा जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ जम्मू के अंदर ही नहीं, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन इतना उग्र है कि ये ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, सरकारी संपत्ति को तोड़ रहे हैं, और ना जाने ये लोग क्या क्या कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका भी मान सम्मान नहीं करते हैं। और ये विरोध प्रदर्शन का कारण जो है वो जो देखने को मिलता है कि विरोध प्रदर्शन का कारण जो है वो अग्निपथ योजना है, जिसमें ये प्रावधान रखा गया कि 4 साल ही जो लोग सेना में जाएंगे 4 साल ही वो सर्विस करेंगे और उसके बाद वो आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस तरह की ये लोग हरकतें इस समय कर रहे हैं, जो उपद्रव इन्होंने मचाया हुआ है, उसका कारण क्या है? इतने असहनशील ये बच्चे क्यों हो गए हैं? इन बच्चों का ऐसा व्यवहार सिर्फ सड़कों के ऊपर ही देखने को नहीं मिलता। अगर थोड़ा सा पीछे जाकर आप देखेंगे, घरों के अंदर देखेंगे, स्कूल कॉलेजों के अंदर जाकर देखेंगे, तो कुछ बच्चे तो काफी अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आप देखेंगे तो ये अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं करते हैं, अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते हैं। और ऐसा लगता है इन्हें देखकर कि इनको ऐसा लगता है कि इनसे नॉलेजेबल, इनसे सक्षम कोई इस संसार में दूसरा नहीं है। ये एजुकेशन है या अनएजुकेशन, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनमोहन सुदन हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, ये युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इनके प्रदर्शन को? हम लोग वेलकम करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जिन लोगों ने ये अनाउंसमेंट करी है कि हम लोग 10 लाख जॉब अपने यूथ को देंगे, जिसमें इंक्लूड है ये 46,000 जो अग्निपथ वाले, जो अग्निवीर बनेंगे, अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर बनेंगे, और उन बच्चों को 4 साल के लिए इंडक्ट किया जाएगा डिफेंस फोर्सेस में। और 4 साल में इन लोगों को, एक तो इनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, दूसरा इनको फाइनेंशियल हेल्प होगी, और लास्ट पे आते हुए ये टोटल अमाउंट जो है वो 23 लाख, मतलब 23 लाख से ऊपर अमाउंट लेके आएंगे। आप ये सोच के चलो कि अगर 17 साल से लेके 21 साल, अब इन्होंने एज बढ़ा दी है 5 साल और, अगर ये वाले बच्चे आर्मी में जाते हैं, जब नेवी में जाते हैं, जब एयरफोर्स में जाते हैं, उसके बाद इन लोगों की जेब में जो 17 साल से 20, 21, 22 साल की एज में, जैसे हम लोग आज सोसाइटी में देख रहे हैं कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है कि इन लोगों की जेब में सिर्फ ड्रग्स के अलावा, कुछ बच्चों के ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट एटलीस्ट उन लोगों को ये कर रही है कि इनको जॉब भी दे रही है, और उसके बाद ये लोग अपना फ्यूचर भी देखेंगे। और 4 साल के बाद जैसे ये लोग बाहर आएंगे, 4 साल के बाद बाहर आएंगे, उसमें सारे बच्चे बाहर नहीं आ रहे, 25% फिर भी इंडक्ट कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, और 75% जो वापिस आएंगे, गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया है कि इन लोगों को हम लोग पुलिस में ले लेंगे, स्टेट पुलिस में लेंगे, और उस पर सीआरपीएफ और उसके बाद बीएसएफ में ले लेंगे। मतलब आप सीधे तौर पर समर्थन कर रहे हैं, जबकि देखो बाकी सारे लोग जो हैं वो इसके विरुद्ध हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पहला ऐसा फैसला है जिससे मोदी सरकार जो है वो घुटने पे आ गई। तो ये फैसला गलत है कि लोगों की मानसिकता गलत है? सिर्फ मोदी की अपोजिशन के लिए पॉलिटिक्स हो रही है। ये पॉलिटिक्स आप लोग ये लगाओ कि अगर कांग्रेस ने अनाउंसमेंट, कांग्रेस ने इन लोगों को बोला है प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो उसके साथ जो बाकी पार्टीज, कांग्रेस के रिलेटेड पार्टीज थी, वही पार्टीज बाहर आ रही हैं, वही उकसा रहे हैं इन बच्चों को। अदरवाइज आपको लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये कांग्रेस के इशारों, कांग्रेस की इशारे पे हो रहा है, वो जस्ट एक ईडी का सम्मन जो कांग्रेस को गया है उसी की कंटिन्यूटी पे इन लोगों ने उसका रूप चेंज करके ईडी का नाम सामने लाके अब इन्होंने शिफ्ट कर लिया ये वाला अग्निपथ वाली स्कीम पे। बच्चे वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन जो बंदा मेरा कंट्री का जूथ जो है ना, वो आर्मी के लिए कोई भी बंदा गलत नहीं कर पाएगा, कोई ट्रेन नहीं फूकेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। इवन आप लोग कल ये देखो कि कल एक स्कूल बस पे इन लोगों ने आग लगा दी, और बच्चे देखो किसी हिसाब से चला रहे हैं,
और मेरे ख्याल जो आर्मी में इंटरेस्टेड है, सोच रहा है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ना ही वो ट्रेन फूकेगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ये सारे बच्चे जो हैं वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए सेना में जाना चाहते हैं, या फिर अपने हितों के लिए, निजी स्वार्थों के लिए? सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए, प्लस लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इन लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया गया। और जो अपोजिशन कह रही है कि भी जितना झूठ फैला लो, और बच्चों के दिमाग में वही झूठ चल रहा है, आप लोग वेट करो कि जैसे अनाउंसमेंट 24 को अनाउंसमेंट ये लोग जर्नल ने बोला है कि हम लोग इसकी रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग लेके आएंगे। हाँ, एक पैमाना ये लेके चलो कि अगर बाय द वे 24 को जैसे अनाउंसमेंट होती है, आप लोग देख लेना कि 46,000 अगर बच्चे उस पे रिक्रूट करने हैं, तो कम से कम 4-5 लाख से ऊपर एप्लीकेशन आएगी। अगर एप्लीकेशन नहीं आती तो हम लोग मान लेंगे कि ठीक है, मोदी के अगेंस्ट चल रहे हैं, हम भी साथ देंगे। लेकिन हम लोग अगर पॉलिटिक्स भी कर, हम लोग भी पॉलिटिक्स करते, हम लोगों ने भी मोदी को अपोज करा है, इवन हम लोगों ने LG एडमिनिस्ट्रेशन मनोज सिन्हा को भी अपोज की जगह पे कराया हम लोगों ने। लेकिन जब फैसला अच्छा आ रहा है और मेरे जूथ के लिए आ रहा है, और जिसमें सोसाइटी का भला होना है, तो एटलीस्ट हम लोगों को अपनी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के वेलकम भी करना चाहिए। मनमोहन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, क्या जो भी विरोध इस समय इन्होंने उत्पात मचा रखा है, तो क्या ये शिक्षा पद्धति हमारी थोड़ी सी ठीक नहीं है? क्योंकि ये माता पिताओं की भी बात बच्चे आजकल घर में नहीं सुन रहे, स्कूल में भी शिक्षक हैं, और मैक्सिमम जो है वो ड्रग्स का सेवन करने के चक्कर पे, और कुछ लोगों की पॉलिटिक्स इसी नाम से चलती है कि जितना उत्पाद मचा लोगे उतना ही अच्छा रहेगा, अदरवाइज जो एक सीरियस कैंडिडेट होगा वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो आप लोग मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं? इस पे मोदी सरकार का फुल समर्थन कर रहे हैं कि ये स्कीम जो आई है बड़ी अच्छी स्कीम है, और मैं चाहता हूं कि ये स्कीम पे जैसे 4 साल के बाद जो बच्चे 75% बाहर आएंगे, वो कल CDS का एग्जाम भी दे सकते हैं, वो पुलिस में भी जा सकते हैं, CRPF में जा सकते हैं, BSF में जा सकते हैं। हो सकता है इन लोगों में से कुछ बच्चे, जितनी परसेंटेज डेवलपमेंट होके आएगी, डिग्री मिलेगी, कल हो सकता है यही बच्चे IAS भी बन जाएं। और कॉलेज के टाइम पे आप लोग देखो कि अगर आप लोग कॉलेज में जा रहे हो, आपकी जेब में कुछ नहीं होता, इवन हम लोगों ने भी कॉलेज करके देखा है, हम लोग भी लिमिटेड से पैसे लेके जाते थे, और आप लोग ये लगा के चलो कि 17.5 साल से प्लस जैसे बच्चे वहां पे जाएंगे, उन लोगों की जेब में एटलीस्ट पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और फाइनेंशियली भी हेल्प हो रही है, और फिजिकली भी हेल्प हो रही है, और उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो रही है। चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बातचीत करने का, थैंक यू। तो ये तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जो युवा हैं इतने असहनशील क्यों हैं, ये हमें एक सोचने का विषय है। और इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा कमज़ोर हो गया है, और बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार से पाला जा रहा है आजकल, इतना ज़्यादा वो जो मांग रहे हैं उनको दिया जा रहा है। ये नहीं है कि उनको ये बताया जाए कि यहाँ पर आपको रोका गया है, जो बात आपको कही गई है वहाँ पर आप रुकें, वहाँ बड़ों का सम्मान करें, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े कह रहे हैं आपको यहाँ नहीं जाना, तो वो वहीं जाएंगे। तो ये शिक्षा पद्धति और डांट जो नहीं पड़ती है बच्चों को, उसके कारण ये सब हो रहा है। और अब ये मामला जो है वो राजनीतिक रूप भी ले रहा है, लेकिन नेशनल वामी यूनाइटेड पार्टी जो है वो इस सरकार के इस फैसले का समर्थन ज़रूर कर रही है, और आप इस खबर के ऊपर ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया रखें। और देखते रहे दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।